हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान कॉपर की। लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो स्टॉक में 1% तक के अपसाइड के साथ, 1% के ऊपर के अपसाइड के साथ स्टॉक ने क्लोजिंग दिखाई है। 350 के लेवल से रिजेक्शन के बाद लगातार गिरावट स्टॉक ने दिखाई थी। 310 के सपोर्ट से जंप आया, गिरावट आई तो स्टॉक ने अपने इस सपोर्ट को, यानी जहां से सपोर्ट लेकर जंप दिखाया था 310 का जो लेवल है, इसको नीचे की ओर ब्रेक डाउन नहीं किया, इसके ऊपर से ही सपोर्ट लेकर बाउंस बैक करता नज़र आ रहा है। यहां से हिंदुस्तान कॉपर का खेल पलट सकता है, लेकिन थोड़ा सा आप हमको इस पर नज़र रख के चलनी होगी, क्योंकि अगर स्टॉक रिजेक्शन ले जाता है जहां क्लोजिंग दिया है उसके आसपास से, तो इसी कंडीशन में नीचे की ओर 320 का इमीडिएट सपोर्ट बनेगा। ब्रेक डाउन कर गया तो जहां सपोर्ट लिया था इससे पहले 310 का लेवल, और इस गिरावट के साथ स्टॉक में 304 से 300 तक का भी फॉल हमको हिंदुस्तान कॉपर दिखा सकता है। लेकिन दोस्तों, गिरावट के बाद जब बाउंस बैक हुआ तो चार्ट पैटर्न पर देखे तो पता चलता है जम के बाद गिरावट, लो ब्रेक डाउन नहीं हुआ, अगेन जम के साथ अपने हाई को ब्रेकआउट करता नज़र आ रहा है। तो यहाँ से हिंदुस्तान कॉपर का खेल जो है पलट सकता है। अगर जम्प आता है तो देख सकते हैं स्टॉक ने मल्टीपल टाइम रिजेक्शन लिया हुआ है 340 का लेवल, यहाँ तक का जम्प स्टॉक दिखा सकता है। 334 इमीडिएट टारगेट, पहला टारगेट अपना, नेक्स्ट टारगेट 340 का लेवल ब्रेकआउट होना इम्पॉर्टेंट रहेगा हिंदुस्तान कॉपर के लिए। अगर स्टॉक इस बाउंस बैक के साथ 340 के लेवल को ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर उसके बाद लगातार बड़ी तेज़ी हिंदुस्तान कॉपर में देखने के लिए मिल सकती है। 340 के ब्रेकआउट के बाद नेक्स्ट टारगेट बनेगा 350, इसको ब्रेकआउट करके स्टॉक 360 से लेके 380 तक का भी जम दिखा सकता है। फिर 380 इसके लिए मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा हिंदुस्तान कॉपर, फिर 380 तक का जम दिखा सकता है। कैसी कंडीशन में? 340 के ब्रेकआउट के बाद। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।